एवरीवन, वेलकम टू टेक फॉर इन्फो। आज की वीडियो जो है महाराष्ट्र एमसीए के रिगार्डिंग है। महाराष्ट्र में एक कॉलेज पढ़ता है जिसका नाम है VJTI, जो कि मुंबई में है, उसी के ऊपर पूरा वीडियो है। और पूरा वीडियो जो होगा स्पेशली फॉर एमसीए के लिए है। तो जो भी बच्चे एमसीए का फॉर्म भरे हुए हैं महाराष्ट्र सेट का, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो में जो मेरा मेजर फोकस होगा वो होगा, सबसे पहला पॉइंट होगा, मैं बताऊंगा, एक हाईलाइट दूंगा कॉलेज के बारे में, कॉलेज कैसा है। सेकंड पॉइंट होगा कि यहाँ की फैसिलिटीज क्या क्या है, एडमिशन लेने के बाद आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलने वाली है उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। अगला पॉइंट होगा कि यहाँ की रैंकिंग क्या है कॉलेज की, इंजीनियरिंग कॉलेज है तो इंजीनियरिंग कॉलेज की रैंकिंग क्या है इसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। और नेक्स्ट पॉइंट होगा कि एमसीए की फीस कितनी है, अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको कितना फीस पेमेंट करना होगा, एससी के लिए कितना पेमेंट करना होगा, एसटी के लिए कितना करना होगा, ओबीसी कैटेगरी के लिए कितना पेमेंट करना होगा, और अगर ईडब्ल्यूएस या जनरल से हैं तब कितना पेमेंट करना होगा, सारा कुछ डिस्कशन इस वीडियो में होगा। इसके अलावा एडमिशन अगर आप लेना चाहते हैं, जो बच्चे नए हैं उनको बताने का उनको ये बताना पड़ेगा कि भाई इसमें एडमिशन लेना चाहते तो क्या क्या प्रोसेस कंप्लीट है, उस चीज को भी डिस्कस इसमें करने वाला हूं। वो बच्चे जो इस साल एग्जाम दिए हुए हैं या जो अगले साल एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए कट ऑफ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कट ऑफ कितना जाने वाला है इस कॉलेज का, क्या हमारा किस राउंड में एडमिशन हो सकता है, उन सभी चीजों के बारे में डिस्कस होगा। और सबसे मेजर पॉइंट होगा, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि प्लेसमेंट का क्या सीन है, प्लेसमेंट के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, और प्लेसमेंट कौन कौन सी कंपनी आती है, कितना पैकेज ऑफर करती है, कितना प्लेसमेंट परसेंटेज है, उन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बात करूं कॉलेज के बारे में, तो कॉलेज का पूरा नाम जो है वो है वीर माता जीजाबाई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट मुंबई। इस कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था वो 1887 में हुआ था, 134 साल पहले, काफी पुराना कॉलेज है। और इस कॉलेज का नाम जो है 1957 में चेंज कर दिया गया था, 26 जनवरी को वीर माता जीजाबाई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट से चेंज करके इसका नाम विक्टोरिया जुबली टेक्निकल इंस्टीट्यूट रख दिया गया, जो कि 26 जनवरी 1997 में किया गया था। VJTI जो कॉलेज है वो एक गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है, एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, जो कि अब एक ऑटोनोमस इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया है। अगर बात करें यहाँ पर स्टाफ की, तो यहाँ पर लगभग 150 से ऊपर लगभग स्टाफ है, स्टाफ मेंबर है, चाहे वो टीचिंग फैकल्टी हो, नॉन टीचिंग फैकल्टी हो, सारे को इंक्लूड करके बता रहा हूं मैं। अगर स्टूडेंट की बात करूं तो लगभग 2860 बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं एवरी ईयर, जिसमें यूजी के 2160 बच्चे होते हैं, पीजी के 560 बच्चे होते हैं, और डॉक्टर्स स्टूडेंट जो होते हैं वो 69 बच्चों का एडमिशन यहाँ पर एवरी ईयर होता है। अगर मैं बात करूँ कैंपस एरिया की, तो कैंपस एरिया इस कॉलेज का लगभग 16 एकड़ का कैंपस एरिया है। कैंपस बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन सारी फैसिलिटी आपको मिल जाती है। बात करूँ लोकेशन का, तो लोकेशन जो है इस कॉलेज का वो है मटुंगा मुंबई। मुंबई में एक जगह जिसका नाम मटुंगा है, और मुंबई आपको मालूम है बहुत ही फेमस, क्योंकि महाराष्ट्र में पड़ता है, वहां पर एक कॉलेज स्थित है। अगर आप वहां पर जाना चाहते हैं तो जाने का एक तरीका है कि आप अगर बाई ट्रेन जाते हैं तो आपको हार्बर लाइन है, ट्रेन की जो लाइन है हार्बर, अगर उससे होकर जाते हैं तो आपको किंग सर्किल एक स्टेशन है या वडाला एक स्टेशन है, किसी एक में उतरना होगा, वहां से आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे VJTI कॉलेज है, वहां पर आप पहुंच सकते हैं। बात करूँ अगर फैसिलिटीज की, तो फैसिलिटीज में आपको यहाँ पर बहुत अधिक फैसिलिटीज नहीं है, लेकिन जो भी फैसिलिटीज है वो काफी ही अच्छी है। लाइब्रेरी की फैसिलिटी मिलती है, डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी अलग होते हैं, और एक सेंट्रल लाइब्रेरी भी है इस कॉलेज में, जो कि अलग है। और कंप्यूटर लैब सभी बच्चों के लिए मिलता है जो कंप्यूटर बैकग्राउंड से होते हैं। इसके अलावा आपको कैंपस के अंदर बैंक फैसिलिटी भी मिलता है, कैफेटेरिया भी कैंपस के अंदर अवेलेबल है, हॉस्टल की फैसिलिटी आपको मिलती ही है। इसके अलावा टाइम टू टाइम वर्कशॉप भी करवाते हैं, वर्कशॉप हॉल भी अलग से बनाए गए हैं, सेमिनार हॉल भी आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको एक ऑडिटोरियम भी मिलता है, क्योंकि मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, आपको ऑडिटोरियम भी यहाँ पर मिलता है। नेक्स्ट बात करता हूँ रैंकिंग की। अगर कॉलेज की रैंकिंग की बात करूँ तो इंजीनियरिंग कॉलेज में 2020 में इसका NRIF रैंकिंग जो था वो 71 पोजिशन था, 71वां स्थान था। तो कॉलेज की रैंकिंग काफी अच्छी है। मैं बात करूँ एमसीए की फीस की, तो एमसीए की फीस जो है कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है। तो मैं बात करता हूँ सबसे पहले ओपन कैटेगरी के लिए। अगर ओपन कैटेगरी से आप हैं तो आपको 15,000 रुपये एज ट्यूशन फीस,
32,500 रुपए, डेवलपमेंट फीस अदर फीस के नाम पे 11,110 रुपए, और एग्जाम फीस के नाम पे 3,000 रुपए, और स्टूडेंट डिपॉजिट हॉस्टल मनी के नाम से 1,000 रुपए, लाइब्रेरी के नाम पे 1,000 रुपए लेते हैं, और इंश्योरेंस फीस के नाम पर ये 234 रुपए लेते हैं। टोटल बात करें तो 62,844 रुपए जो होता है वो जनरल कैटेगरी के लिए, ओपन कैटेगरी के लिए होता है। अगर मैं बात करूं एससी और एसटी की तो 5,234 रुपए टोटल आपको 1 ईयर का फीस पेमेंट करना होता है एमसीए में। वहीं अगर मैं बात करूं ओबीसी कैटेगरी की तो ओबीसी में आपको 62,844 रुपए देना होगा, जितना आपका ओपन का है सेम फीस आपका ओबीसी का भी है। अगर आप बिलोंग कर रहे हैं ई डब्ल्यू एस कैटेगरी से तो आपका फीस थोड़ा सा कम हो जाता है, वो फीस है 55,344 रुपए पर ईयर। ये रहे एमसीए के टोटल फीस जो कि आपको फर्स्ट ईयर में एडमिशन के टाइम पे आपको पेमेंट करना होता है, ये 1 ईयर की फीस है। बात करूं एडमिशन प्रोसेस का तो एडमिशन प्रोसेस से पहले मैं आपको बता दूं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आप किसी भी एक अच्छे कॉलेज से या जो कि गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हो वहां से आप, या तो आप बीएससी ऑनर्स किए हो, डिग्री लिए हो, या बीसीए किए हो, या इसके इक्विवेलेंट 10+2+3 इक्विवेलेंट हो, लेकिन साथ में एक चीज ये है कि आपका 60% एग्रीगेट आपका बोर्ड से में भी हो और आपका ग्रेजुएशन में भी हो, तो आपको एडमिशन यहाँ पे एग्रीगेट बात कर रहा हूँ मैं कि आपका 10th 12th एंड विथ ग्रेजुएशन 60% एग्रीगेट हो। एग्रीगेट निकालने का तरीका ये है कि आप 10th का मार्क्स, 12th का मार्क्स एंड ग्रेजुएशन का मार्क्स सारा ऐड करेंगे, उनका एवरेज निकाल लेंगे, अगर 60% या उससे ऊपर आ रहा है तो आप एलिजिबल हैं। बात करूँ प्रोसेस की तो प्रोसेस ये है एडमिशन लेने का, एक ही तरीका है कि आप यहाँ पर एक एग्जाम होता है महाराष्ट्र द्वारा, उसको बोलते हैं MASCET और MCA। अगर उसमें आपका अच्छा स्कोर आया हुआ है तो आपको एडमिशन यहाँ मिल जाता है, इस एग्जाम के बिना आप यहाँ पर एडमिशन नहीं ले सकते हैं। और स्कोर क्या होता है, किस स्कोर पे एडमिशन मिलेगा वो आगे डिस्कस कर रहा हूँ, तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। मैं अब बात कर रहा हूँ कट ऑफ की, जो मैं प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया था कि कट ऑफ जो है यहाँ पर जो जाता है बच्चों का, अगर आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं और आप महाराष्ट्र से हैं तो आप अगर 99% के आसपास है तो आपकी श्योरिटी है कि एडमिशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, बहुत ज्यादा चांस है क्योंकि कॉलेज काफी अच्छा है, प्लेसमेंट भी काफी अच्छा है, तो इसका कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं और आपका परसेंटाइल 95% या उससे ऊपर है तो, और आप महाराष्ट्र से हैं, नोटिस करिएगा महाराष्ट्र से कंपल्सरी है, तो आपका 95% पे एडमिशन यहाँ मिलने के चांसेस है। अगर ओपन कैटेगरी से बिलोंग आप कर रहे हैं और अगर आप आउटसाइड महाराष्ट्र हैं, किसी और स्टेट से हैं, तो आपकी परसेंटाइल 99.99% है, तो आपको यहाँ पर एडमिशन मिलने के चांस है, नहीं तो यहाँ पर चांसेस नहीं होते हैं ओपन कैटेगरी में, क्योंकि आउटसाइडर के लिए थोड़ा सा रिजर्वेशन है वो कम है, और महाराष्ट्र के जो बच्चे हैं उनके लिए रिजर्वेशन है, तो चांसेस आउटसाइड के थोड़ा कम होता है, इसलिए नंबर थोड़ा अच्छे आएंगे, परसेंटेज अच्छे होंगे तभी आपको मिलेगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं और आउटसाइड ऑफ महाराष्ट्र हैं तो आपका जो यहाँ पर एडमिशन होगा वो मिलेगा आपको, वो आपको मिलने वाला है 98 से 99% के बीच में। अगर इतना आपका रैंक है तो इसके बीच में आपको एडमिशन मिल सकता है आराम से। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात कर रहा हूँ मैं प्लेसमेंट की, तो यहाँ अगर मैं एवरेज प्लेसमेंट की बात करूँ तो एवरेज प्लेसमेंट यहाँ का लगभग जाता है वो 4 LP जाता है, और हाईएस्ट प्लेसमेंट यहाँ का 40 LP जाता है। प्लेसमेंट काफी अच्छा है, हाईएस्ट प्लेसमेंट 40 LP यहाँ पर गया हुआ है, ये आप इनकी वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं, और अगर कोई बच्चा आपके कॉन्टेक्ट में है तो आप वहां भी पता कर सकते हैं। अगर प्लेसमेंट परसेंटेज की बात करूं तो लगभग 80 से 90% प्लेसमेंट यहाँ पर एवरी ईयर हो जाता है, किसी किसी साल 100% भी प्लेसमेंट हुआ है, तो प्लेसमेंट वेरी करता है। यहाँ पर लगभग एवरी ईयर 60 बच्चों का इंटेक होता है, 60 बच्चों में लगभग किसी साल 50 बच्चों का, किसी साल 45 का, किसी 55, 52, ऐसे लगभग नियर अबाउट 80 to 90% बच्चों का प्लेसमेंट एक NA एवरेज हो जाता है। और आपको मैं इनकी वेबसाइट पे 2019-20 के अवसर आप चेक करेंगे तो इन्होंने खुद मेंशन किया है लगभग 82.97% बच्चों का प्लेसमेंट एमसीए में हो गया था 19-20 में, जो बच्चे 19-20 में पास आउट हुए थे। तो प्लेसमेंट यहाँ का अच्छा है, काफी अच्छा है, क्योंकि अगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि पुणे यूनिवर्सिटी लेते हैं, अगर पुणे यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा और हाई कटा जाता है वहाँ नहीं ले पाते तो यहाँ लेते हैं, कुछ बच्चे ऐसा भी करते हैं ड्यू टू लोकेशन वो पुणे यूनिवर्सिटी को छोड़ करके यहाँ पर भी आते हैं, क्योंकि प्लेसमेंट यहाँ का भी अच्छा है, प्लेसमेंट वहाँ का भी अच्छा है, तो बच्चे अपने लोग अपने प्रेफरेंस के हिसाब से चूज करते हैं। तो मिला जुला के जो प्लेसमेंट है एवरीथिंग अगर अच्छा है, सबसे मेजर इंपॉर्टेंट था प्लेसमेंट, प्लेसमेंट काफी अच्छा है, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ले सकते हैं बिना किसी डाउट के,
चाहे आप आउटसाइड महाराष्ट्र हो या महाराष्ट्र से हो। इसके अलावा अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप पूछ भी सकते हैं। इसके पहले वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको इस कॉलेज में जो रिक्रूटर्स आए हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। यहाँ पर रिक्रूटर्स आपको दिख रहे होंगे, इन्फोसिस है, L&T है, सैमसंग है, लेंस है, डिलॉयट आया हुआ है, और इसके अलावा गोदरेज कंपनी भी यहाँ पर आई हुई है, कैपजेमिनी यहाँ पर आई हुई है। इसके अलावा विप्रो भी आपको दिख रही होगी, अंबुजा सीमेंट जो है वो भी एज ए सॉफ्टवेयर बच्चों यहाँ पर ले गई है, डिलॉयट आपको दिख रहा होगा। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्री भी यहाँ आई हुई है। इसके अलावा बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनियां इसके अलावा भी हैं जो कि मैं मेंशन अभी नहीं किया हूँ, वो भी यहाँ पर आई हुई है। तो कंपनियां भी काफी ही अच्छी आती हैं। ये जो डेटा मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, ये जो आई हुई कंपनियां, ये सारी कंपनी 2019-20 के बच्चों के लिए इतनी कंपनी आई थी, 30 कंपनी आई हुई थी। तो कंपनी भी बहुत ज्यादा ज्यादा आती है, तो इसकी दिक्कत नहीं है। इसके बाद भी कोई डाउट हो तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वहां से पूछ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हमें अधिक से अधिक सपोर्ट करिए। सपोर्ट करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि आप अधिक से अधिक लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि क्योंकि महाराष्ट्र सेट MASCT के जितने भी कॉलेज हैं उन सभी का मैं एक ओवरव्यू देने वाला हूँ उस चैनल पे। जो बच्चे महाराष्ट्र के हैं, जो भी उसके लिए एडमिशन लेना चाहते हैं, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है फ्यूचर में, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक फॉर इन्फो, कीप सपोर्टिंग टेक फॉर इन्फो।